Guys, कैसे होपफुल ठीक होंगे और आज का टॉपिक है मैचिंग प्रिंसिपल ये एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वीडियोज अकाउंटिंग की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और राइट लेट्स गेट सार्ट एट भैया जिस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितना भी एक्सपेंस आपने एक पीरियड में किया उतना ही एक्सपेंस लिखना और उतना ही रेवेन्यू लिखना फिर चाहे पैसे कभी भी आप दो या लो राइट यानी एक रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने जितने भी पैसे उड़ाए वो सब आप उसी पीरियड में उसी रेवेन्यू के साथ लिखोगे लेकिन वही एक्सपेंस लिखोगे जो उस पीरियड में हुए ना उससे पहले के ना उसके आगे के यानी प्रीपेड को आप एक्सपेंसेस नहीं बनाओगे और पेएबल को आप एक्सपेंसेस नहीं बनाओगे क्योंकि वो पिछले पीरियड के थे प्रीपेड आगे वाले पीरियड के हैं अभी वाले सिर्फ एक्सपेंसेस हैं और उन्हीं को आप एक्सपेंसेस करके लिखोगे ये इसलिए किया जाता है ताकि आप अपनी अर्निंग सही से रिकॉर्ड करो द मैचिंग प्रिंसिपल इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्टुड रिकॉर्ड देअर एक्सपेंसेज इन द पीरियड वेन रिसोर्स आर यूज टू जनरेट रेवेन्यूज रिगार्डलेस ऑफ वेन द ट्रांसफर ऑफ मनी अकर्स द पर्पज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू अवॉइड मिस स्टेटिंग अर्निंग्स फॉर अ पीरियड इसकी एग्जाम्पल है लेट्स से आपका बिजनेस कमीशन देता है अपने एम्प्लॉज़ को जब भी वो एक सेल बनाते हैं नवंबर hmm, में आपकी सेल जो थी वो थी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ और उसके बदले आपको कमीशन देना था टू थाउजेंड रुपीज़ लेकिन टू थाउजेंड आपको पे करने थे दिसंबर में पर ये एक्सपेंस आपका नवंबर का है तो आप अपने अकाउंट्स में इसको एज एन एक्सपेंस नवंबर में लिखोगे ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली exactly कितना अमाउंट आपने कमाया है अगर आप नवंबर में ये एक्सपेंस नहीं लिखते तो आपकी जो भी इनकम आई जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो गलत होगा सर नवंबर में आप ये वाला कमीशन एक्सपेंस लिखोगे अगर आप नहीं लिखते हो तो क्या होगा दिसंबर में आपको लगेगा कि यार मेरा एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया और नवंबर में आपको फ़ील होगा कि यार मेरा तो एक्सपेंस इतना नहीं हुआ और जो आपका रेवेन्यू जो एक्चुअल अर्निंग नवंबर की थी वो नवंबर में सही सही नहीं दिख रही होगी नवंबर में ज़्यादा अर्निंग दिखेगी दिसंबर में कम अर्निंग दिखेगी बिकॉज एक्सपेंस का इशू था सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से आप बुक्स बेचते हो आपने दस बुक्स खरीदी जो कि हैं वन थाउजेंड ईच सो टेन थाउजेंड की लेकिन आपने बेची सिर्फ तीन ओके okay? इस महीने में आपने सिर्फ तीन बुक्स बेची यानी तीन हजार की बुक्स बेची जो कि आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेकिन इस महीने में आपने पैसे तो दस बुक्स के दिए थे राइट right? अगर आप पूरे टेन थाउजेंड लिखते हो तो आपको लगेगा इस महीने तो मैंने सिर्फ नुकसान किया है पर क्या वो रियलिटी है नहीं क्योंकि सात बुक्स तो आपके पास हैं जो अभी आप आगे जाके बेचोगे सो so वो सात बुक आपकी इन्वेंटरी हैं विच इज कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी हमने कितने रुपए की चीजें बेची हैं और उससे कितनी अमाउंट अर्न की है और आई गाइज दट वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू इंजॉय डेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बाय